हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने पूरे हाथों से मेहनत लगा ली है। ये नहीं, दूसरे वाला दे इसका एक और पीसा। ये भी अच्छी लग रही है। हमारी हूँ सब्जी और उसके लिए जो लहसुन है उसको मैं पहले छील लेती हूँ और फिर थोड़ा सा पीसना है और प्याज भी पीसना है, उसके बाद सब्जी तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो अभी मेरा एक पार्सल आया हुआ है, पर्पल की तरफ से आया ये पार्सल और काफ़ी लेट आया है मेरा पार्सल। ये 6:30 बजे के बाद आया ये पार्सल। वैसे ज़्यादातर पार्सल मेरा दिन में ही आता है लेकिन आज इतना लेट आया है, बहुत ज़्यादा आया है। चलो उसे ओपन करते हैं। एक हाथ से इसको पकड़ के इसे ओपन करते हैं। विशाल ओपन करेगा, विशाल ओपन करो। अभी साइड से भी कट करना है, इधर से ऐसे साइड से, यहाँ से ये एस क्यू का है। ये गुड वाइब्स का रोज टोनर हैगा और ये है इसमें सीरम, फेस सीरम है ये। इसको मैं ओपन नहीं कर रही क्योंकि मेरी जो मोबाइल की बैटरी है ना वो डाउन है तो उसमें वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। बाहर काफ़ी शोर हो रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए मेरी बहनी काफ़ी अच्छी रची है, बहुत ही प्यारा रंग आया है इसका, इस तरह से है। और लेके आई हूँ इस बार, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस बार मैंने क्या क्या शॉपिंग की हुई है। सबसे पहले ना मैं आपको अपनी चूड़ियाँ दिखाती हूँ। भैया ये हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखिएगा। और जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना तो इस समय दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, हद से ज़्यादा। मैं कल गई थी शॉपिंग के लिए और ये समझ लो जो चीज़ चाहिए ना वो चीज़ बहुत मुश्किल से मिल पा रही है क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है। वो और जो भी मतलब कस्टमर होते हैं उन्हें भी दिखाना होता है, हम जो मांग रहे हैं वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो जैसा भी था जो भी है, मैं चूड़ियाँ वैसे और भी डिज़ाइन में देखना चाह रही थी, और भी अच्छी अच्छी देखना चाह रही थी, बट उस हिसाब से नहीं मिली। लेकिन जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं। ये भी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये एक हाथ की चूड़ियाँ हैं और ये कंगन मैंने इसके साथ अलग लिए हैं और इसके साथ जो भी मैंने मैचिंग कराई है चूड़ियों की, ये देखिए गोल्डन कलर में है। और ये कंगन मैंने अलग से लिए थे तो वो भी मैंने इसमें लगा लिए हैं क्योंकि मैं यही वाले कंगन इसके साथ वेयर करूँगी। एक हाथ का सेट है ये और मैं आपको पास से दिखाती हूँ क्योंकि ये चूड़ियाँ हैं। और इसके साथ में मैंने पता है क्या, पहले तो मैंने ये वाले इयर रिंग पसंद किए लिए थे, ये भी मैंने पहले से लेकर रखे हुए थे बट मेरी साड़ी के साथ में ये मैच नहीं कर रहा तो मैं पहले ये पहनने को थी बट अभी ये वाला नहीं पहन रही हूँ। मतलब जो भी करवा चौथ में मैंने शॉपिंग की है और जो मैं वेयर करूँगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये वाले मैं नहीं पहन रही हूँ। इसके साथ मुझे ये वाले अच्छे लगे और ये भी मेरे पुराने हैं, मैंने न्यू नहीं लिए हैं। और ये देखिए इसकी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये, हर एक साड़ी के साथ मैच कर जाएंगे आप देखिए, इसीलिए मैंने ये वाले वेयर करने हैं। और ये तो पता है क्या, आप ये वाले जो झुमके हैं इसको आप वाइट ड्रेस के साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरे पास वाइट ड्रेस तो नहीं है। हल्का जो वैसा ब्लू कलर होता है ना उसके साथ भी बहुत अच्छे से मैच करेंगे ये, बट ये मैं अभी वेयर नहीं करूँगी, ये वाले वेयर करूँगी मैं अपनी साड़ी के साथ में क्योंकि ये अच्छे से मैच कर रहे हैं।
तो ये मैंने यहाँ रख दिए हैं। और इसके साथ ही मैं ये वाला नेकलेस वेयर करूँगी क्योंकि मेरी साड़ी के साथ अच्छे से मतलब मैच कर रहा है। मेरे पास नेकलेस और भी हैं बट वो वाले इतने हैवी वेयर नहीं करने हैं मुझे, और मैं पुराना ही है ये मेरा, मैं न्यू नहीं लेके आई हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी पुरानी हैं लेकिन हाँ ये न्यू है, शायद मैंने वेयर नहीं किया है इनको एक बार भी, अब किया हो तो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन इनको हाँ मैंने वेयर किया हुआ है इनको। और मैं ये नया लेना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे पास इस समय जो नेकलेस है ना बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं न्यू नहीं लेना चाहती थी, इसी वजह से मैंने अपनी साड़ी के लिए साड़ी के साथ मैं ये वेयर करने वाली हूँ। और ये तो मैंने नेल रिमूवर लिया है, क्यों लिया है, एलेटिन का लिया है, और इसका इसको मैंने यूज़ भी कर लिया अभी एक बार, और इसका जो भी मतलब इसको मैंने यूज़ भी कर लिया बहुत अच्छा है। मैं इसे लेके आई थी, क्यों लेके आई थी, क्योंकि मैं नेल पेंट बहुत लगाती हूँ और इस समय आप मेरे हाथों पे देख रहे हो ना, ये तो मैंने जब लगाए हैं, जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना तो नेल पेंट लगा कर नहीं गई थी, ठीक है, तो वहाँ मैंने नेल पेंट मतलब लिए तो मुझे लगा लगा के चेक करने थे कैसा है, तो बस उसी तरह से मैंने अपने नेल्स पे लगा लिया, तो इस तरह से लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी। और ये वाला नेल पेंट है जो मैं लगाऊंगी अपनी साड़ी के साथ में। और लिपस्टिक मेरे पास इस समय दो हैं, तो ये भी मैच कर रही है मेरी साड़ी से, लेकिन अभी देखते हैं मैं कौन सी लगाऊंगी क्योंकि वो भी मैच कर रही है नाक के साथ इस समय। एक तो ये वाली है लिपस्टिक, ठीक है, और ये भी दोनों मतलब एक ही कलर है, लेकिन ये इस तरह से ही देखिए, ये बिना ब्रश वाली है, तो ये वाली मैं नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी ये वाली ब्रश वाली, क्योंकि इस समय मुझे पता है कि ब्रश वाली लिपस्टिक अच्छी लगने लगी है और अच्छे से लग भी जाती है। और साथ में मैं बिंदी हमेशा से सिंपल सी लगाती हूँ, बहुत कम मैंने लगाई होगी इस तरह से डिज़ाइन की, मैं बहुत पहले लगाया करती थी, लेकिन मैं काफ़ी साल से ना यही बिंदी यूज़ करती हूँ हर ड्रेस के साथ में, साड़ी हो या कुछ, मतलब मेरे को ये अच्छी लगती है ये वाली बिंदी, सिंपल एकदम। सिंदूर जो मैं ड्राई लगाती हूँ ना वो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है काफ़ी, तो मैं वही यूज़ करती हूँ हमेशा से, वही सिंदूर। और मैं ड्राई वाला बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मेरी रत्नागिरी से मैं लेके आई थी, तो वो सिंदूर मेरे पास रखा हुआ है। और उसके बाद ये लिक्विड वाला है, ये मैं लेती हूँ थोड़ा, ये भी लगाती हूँ और ड्राई सिंदूर भी लगाती हूँ, मैं दोनों लगाती हूँ। साथ में क्रीम है ये, मतलब शॉपिंग करके लाई हूँ, शॉपिंग तो मैं बहुत सारी करके लाई हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मैं लेती रहती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर तो हमेशा। और ये हेयर ब्रश लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं लेके आई हूँ ये वाला हेयर ब्रश। और इसके साथ में मैंने लिया है ये है आईलाइनर सीसी लैक्मे लिक्विड आईलाइनर, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इससे पहले जो आईलाइनर यूज़ करती थी वो फेस कनाडा का यूज़ करती थी। फेस कनाडा काफ़ी अच्छा है, शुगर का काफ़ी अच्छा है, मतलब मैंने ऑनलाइन मंगाए थे वो सारे जो लिक्विड आईलाइनर थे वो मैंने सब ऑनलाइन परचेज किए थे। ये जो मैंने जो लोकल शॉप से लिया है, चलिए इसे भी यूज़ करते हैं एक बार कैसा है, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। और ये मेकअप रिमूवर वाइप्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इस बार मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मुझे लोकल शॉप से लेना पड़ा, मतलब मैं हमेशा ऑनलाइन मंगाती हूँ। और ज़्यादातर मैंने पहले मैं शुगर का यूज़ किया है, उसके बाद मैंने फेस कनाडा का भी यूज़ किया है मेकअप रिमूवर। और ये है अल्ता, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फेस पाउडर और कुछ ये सामान है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ और अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में फेस सीरम की बहुत ज़रूरत है। और ये फर्स्ट टाइम काजल मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब मैं शॉप पे गई थी उन्होंने कहा ना वो चिपका देते हैं एक आध सामान, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, बहुत अच्छा अच्छा है, तो मैंने ये वाला ले लिया। मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ काजल, वही जैसे कि फेस कनाडा शुगर का हो गया और भी मैंने यूज़ किया है, एन वाई का भी यूज़ किया है और भी काफ़ी ब्रांड हैं जो मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये एक और लिपस्टिक है, ये भी मैं ये वाली मैंने कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी मैं ये वाली। इसके साथ में ये मैं कमरा है और ये आईब्रो पेंसिल है ये भी, और ये रहे नेल पेंट जो मैं लेके आई थी, और नेल पेंट अलग रखे हैं वो दूसरी, शायद मैं पॉलीथीन लेके नहीं आई, अलग रखी हुई है। और क्या बिछिया रह गए, वो बिछिया दूसरी वाली पन्नी में रखे हैं शायद, यहाँ पर है नहीं। तो ये रही मेरी छोटी सी करवा चौथ की शॉपिंग, इसमें ये सिर्फ सारा सामान मेरा ही है और जो मैंने अपनी सासू माँ के लिए देने के लिए मंगाया है ना
वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मैंने बहुत सा सामान ऐसा है मेकअप में जो मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो सब मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, प्राइमर हो गया, आई शेडो पैलेट हो गई, या फिर लूज पाउडर हो गया, और भी ऐसे सामान होते हैं जो कि मैं कभी भी इस मार्केट से नहीं लेती हूँ। मैं ये सब चीज़ ऑनलाइन मंगाती हूँ। इसी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।